गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन के लेक्चर नंबर 5 के ऊपर पहुंचे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल जो होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करके बताया था। उसके बाद फिर मैंने समझाया कि बहुत सारे फंक्शन रूट में हो, इनफाइनाइट टाइम्स रूट में हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझाया। लॉग लेट करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना समझाया, और फिर बाद में वीडियो में मैंने पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल इनके स्लोप निकालने को बताया था। स्लोप निकालने का मतलब सिंपल सी बात है, डी वाई डी एक्स निकालना। डी वाई डी एक्स का मतलब होता है एम का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ग्रेडियंट। इस तरह की बातें जो होती है स्लोप निकालना या डी वाई डी एक्स निकालना। डी वाई डी एक्स जो अब ये चैप्टर आएगा जब एक्सरसाइज 6, तो इसी डी वाई डी एक्स को स्लोप बोला जाएगा। 11th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन में स्लोप पढ़ा था, वही स्लोप है, सेम टू सेम चीज है। तो अभी मैं बातें करने जा रहा हूँ कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट दिया रहेगा। सपोज करो यहाँ पर लिखा रहेगा साइन, यहाँ लिखा रहेगा x प्लस वाई, और यहाँ लिखा रहेगा, सपोज यहाँ भी लिखा रहेगा x माइनस 5। कुछ इस तरह से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से कनेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और उसमें लिखा रहेगा फाइंड dy/dx। इस तरह से क्वेश्चन होंगे, तो इस तरह क्वेश्चन को डील करने के लिए अब हम लोग तैयार हैं, ठीक है कि नहीं। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है, फिर से इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक गेट और ये है दूसरा गेट। इसका मतलब इसके अंदर जब गेट की बात होती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर चेन रूल लगने की बात हो जाएगी, चेन रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर पहले साइन को तोड़ेंगे, ये क्या बन जाएगा cos x प्लस वाई, साइन टूट गया। अब x प्लस वाई को तोड़ेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और y का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है, ठीक है। और यहां से अगर हम बात करेंगे इस x का डिफरेंशिएशन, अगर हम बात करेंगे इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और कोई नंबर का डिफरेंशिएशन अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा cos x प्लस वाई, और प्लस तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos x प्लस वाई डॉट dy/dx=1। अब क्या करना बच्चे, dy/dx को सब्जेक्ट बना देना है। dy/dx को सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको उस तरफ सेंड कर दें, तो देयरफॉर cos x प्लस वाई dy/dx=1 cos x + y ये हो जाएगा। अब यहां से हम लोग dy/dx लिख सकते हैं, dy/dx=nothing but 1 cos x + y / cos x + y। अगर हम चाहें तो यहां पे भी आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर हो चुका है तैयार, यही हमारा आंसर है बच्चे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आंसर हम इसको बोल सकते हैं। अदरवाइज कुछ बच्चे के मन में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने का मन करेगा, ठीक है कि नहीं। तो हाफ एंगल फॉर्मूला याद करो, 1 cos 2θ = 2 sin² इसका एंगल हाफ तो थीटा, और 1 cos 2θ = 2 cos² θ। दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। ये इंटीग्रेशन में भी काम आता है, ये डिफरेंशिएशन में भी काम आता है, और इस चैप्टर में भी काम आता है। तो कोई यहाँ पर चाहेगा तो हाफ एंगल लगा सकता है, तो इसको हाफ एंगल लगा करके लिख सकता था 2 sin² x + y / 2 / cos x + y, ये भी लिख सकता है, पर यहाँ जरूरत नहीं, यहीं पर लिख देगा तो भी यही आंसर हो सकता है। समझाने के लिए, खाली सिर्फ याद दिलाने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, इसलिए मैं याद दिलाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। 1 cos θ होता तो 2 sin² θ/2 होता, और 1 cos θ होता तो 2 cos² θ/2 होता। यह मैं जान करके लिख रहा हूँ, भले काम आए ना आए लेकिन बाद में जरूर काम आएगा। ये वाला फॉर्मूला जो है लिमिट से भी काम आता है, ये वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में भी काम आता है, ये वाला फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी काम आता है, ये इंटीग्रेशन में भी काम आता है। इसलिए जान करके मैं इसको हाफ एंगल फॉर्मूला को, जरूरत है या ना है फिर भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इसको डन करते हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ
वो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक होगा और कुछ ना कुछ पार्ट एल्जेब्रिक होगा, और दोनों मिक्स होंगे, उस तरह से मिक्स करके क्वेश्चन रहेगा। उसको हम लोग कैसे डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे उसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिटा देता हूं इसको फाइनली। इस तरह से क्वेश्चन अगर मैं बता देता हूं तो आप क्या हो जाएगा, बुक के क्वेश्चन को 5.1 को छोड़ करके, 5.1 अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर जो है 5 है, इसमें 5.1 अभी नहीं पढ़ाया बच्चा, बाकी तुम धीरे धीरे जाकर के चालू करोगे 5.2, 5.3, 5.4 ऐसा ट्राई करोगे तो आपसे सवाल होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आप, ताकि करने के काबिल हो जाओ। मान लो यहाँ पर होगा 10xy बराबर एक्स प्लस वाई और फाइंड dy/dx, ये क्वेश्चन हो गया बाय दी वे। इसमें क्या है, कुछ पार्ट जो है ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये कुछ ना पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक है और प्लस कुछ पार्ट जो है एल्जेब्रिक है, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट एल्जेब्राइक है, उसका मिक्स करके, इनको मिक्स करके एक क्वेश्चन डेवलप किया गया है और फाइंड करना है dy/dx और फाइंड करना है dy/dx। इस तरह के क्वेश्चन कोई भी होगा तो उसको आप इसी तरह से आसानी से डील कर सकते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा चेन रूल के लगने का, चेन रूल का जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ओवर वाले क्या है, कंपोजिट कर दिया, फंक्शंस का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कई सारे फंक्शंस को मिला करके एक फंक्शन बना दिया गया है, इसको हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको डील करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम पुराने मेथड से फॉलो करेंगे। इसको मिटा देता हूँ, समझाने के लिए समझाया था मैंने इसको, अभी मैं चालू करता हूँ। सिंपल सी बात है, देख लेना है कि इसके अंदर कितने गेट्स हैं। तो यहाँ पे पहला गेट है और यहाँ पे दूसरा गेट है, यानी इसके दो गेट क्रैक करने हैं हमें, तो हमारा आंसर आसानी से आ पाएगा। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, हम लोग डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, पहले 10 को तोड़ेंगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ddx, 10x बराबर हो गया sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर, और इसका क्या है हमारे पास एंगल, 10 का एंगल क्या है xy, तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। तो 10 का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, अब 10 का डिफरेंशिएशन हो गया ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके, अब xy का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। xy का डिफरेंशिएशन x को रखो, एक्स वाई मल्टीप्लाई में है तो एक्स को रखो, वाई का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, यहाँ पे लग रहा है प्रोडक्ट रूल। और यहाँ वाई को रखो, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, यहाँ पे हमने क्या लगाया, इसको सॉल्व करने के लिए लगाया हमने कौन सा रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अगर आप राइट साइड की बातें करें तो एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है और वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है, ठीक है कि नहीं। अब देखो तो हमें क्या करना है, हमेशा dy/dx फाइंड करने के लिए dy/dx को dy/dx को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ टर्म को, जैसे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर x sec स्क्वायर एक्स वाई dy/dx, जब पहला इसको मल्टीप्लाई किया तो दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा वाई sec स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू सामने क्या है 1+dy/dx। और dy/dx सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें dy/dx को एक तरफ लाना पड़ेगा, एक तरफ ले आते हैं, तो देयरफॉर x sec स्क्वायर एक्स वाई dy/dx और वो प्लस इधर आकर के -dy/dx हो जाएगा। अच्छा, अभी आपको जो इधर की जरूरत नहीं है उसको आप उधर भेज सकते हैं, डॉट 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 डॉट, इसको इस तरह भेज सकते हैं, तो ये y जो है नेगेटिव हो जाएगा, ये 1 तो पहले से है, ये वाला 1 तो पहले से है, ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा y sec स्क्वायर एक्स वाई। अब देखो बच्चे, यहाँ पर dy/dx और यहाँ पर dy/dx कॉमन आता हुआ नजर आ रहा होगा, तो ले लो कॉमन, इम्प्लाई साइन dy/dx हम लेंगे यहाँ पर कॉमन, हमारे पास क्या बच गया x sec स्क्वायर एक्स वाई और यहाँ -1, यह बच गया 1 - y sec स्क्वायर
एक्स वाई। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू राइट साइड में जो है 1 माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई, अब 1 में उसको नीचे उतार दो, एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया। इस तरह से मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ इस वीडियो में कि जब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट कुछ अलजेब्रिक पार्ट से कंपोजिशन में हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये मैं सिखाने जा रहा हूँ। मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा तो बुक को आप खुद भी सॉल्व कर लोगे, मेरी मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। तो मैं इसको अब कर देता हूँ रब। यहाँ पर साइन का क्वेश्चन ले लिया, टेन का क्वेश्चन ले लिया। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस का क्वेश्चन ले लेते हैं। इन सब क्वेश्चन में आपको इस तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से डी वाई डी एक्स निकालते हैं एलजेब्रिक पार्ट और ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट को कंबाइंड फॉर्म में। अगर हम मैं बात करूं कॉस ले एक बार, तो कॉस यहां पर क्या ले सकते हैं, एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस फाइव, मान लो इस तरह का क्वेश्चन है और फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन को डील करें अगर हम, तो कैसे डील कर सकते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव कॉस का डिफरेंशिएशन, सी का स्पेलिंग लगा हुआ है तो माइनस आएगा, कॉस एक्स का जगह माइनस साइन एक्स, अगर हम इसकी बात करेंगे तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, और सिर्फ वाई लगा हुआ है तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। यहां से इम्प्लाइज का साइन लगा लो इक्वल टू, इस साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स और इस नंबर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, ठीक है कि नहीं। अब हमें क्या कर देना है, साइन एक्स साइन डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये माइनस उस तरफ भेज देते हैं, हमारे पास क्या बच गया, दिस इज माइनस साइन एक्स, ये बंदा इसको इधर ले आ तो माइनस कॉस एक्स बराबर, ये पूरा उधर चला गया तो साइन वाई पॉजिटिव हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स। अब हमें क्या दिख रहा है, माइनस कॉमन लेना अच्छा लगेगा, माइनस कॉमन ले लूंगा अच्छा देखने में लगेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स सब्जेक्ट बना लो और जो भी फालतू इसको इधर उतार दो, तो माइनस यहाँ पर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे आ गया है साइन वाई, और यही हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो यहाँ से हमने डी वाई डी एक्स को फाइंड आउट कर लिया। तो देखो बच्चे बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल है समझना कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं जहाँ पे अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो आज के लेक्चर में इसी तरह के हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जहाँ पर अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। इसको आप पॉज करके लिख लेना, मैं इसको रब कर देता हूँ। आपको बहुत आसान लग रहा होगा, मुझे लगता है आसान है, बहुत ही सिंपल है, जो बच्चा बेसिक्स को समझ गया है। अब थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रिक पार्ट में भी, थोड़ा एलजेब्रिक में भी थोड़ा सा लॉगरिथमिक घुसा दें, ऐसा ले लें लॉग, यहाँ पर साइन, यहाँ पर एक्स प्लस वाई और यहाँ पर ई पावर एक्स प्लस टेन ले लेते हैं और फाइन करना है डी वाई वाई डी एक्स। जान जान करके मैं क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर रहा हूँ, लेवल बढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। अक्सर क्या होता है, बच्चे टीचर को समझते हैं कि ये सॉल्यूशन का जो है सॉल्यूशन का बुक है, टीचर को सॉल्यूशन का दुकान समझते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है बच्चे कि आप क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस टाइम तो कर लोगे, लेकिन नए क्वेश्चन जब अचानक आएंगे सडनली तो आपको सोचने मजबूर करेगा और आपको डाउट आएगा। तो मैं जान करके कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, आपसे खुद सॉल्व हो सके, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं। मैं सॉल्यूशन का दुकान नहीं हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सिखाऊं, कॉन्सेप्ट सिखा दूँ जिसको आप डील करके खुद से भी किसी भी क्वेश्चन को एट रैंडम कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से खुद से सॉल्व कर सके। तो चलिए आते हैं हम यहाँ पे सवाल के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पर लॉग है
यानी एक गेट यहाँ पर है, दूसरा गेट यहाँ पर है और तीसरा गेट यहाँ पर है। तीन गेट को तोड़ करके हमें डी वाई डी एस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लॉक को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाई साइन, लॉक हो जाता है। लॉक को तोड़ने में क्या होता है, वन अपॉन में जी स्पेलिंग के बाद जो भी है उसको नीचे लिख देना होता है, ये लॉग टूट गया। मल्टीप्लाई का साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस लिख देने के बाद, कॉस लिख देने के बाद जो भी एन स्पेलिंग के बाद जो है उसको लिख देना होता है, यानी कि जो भी एंगल है वो लिख देना होता है। मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा, यहाँ डॉट कर देता हूं, इसको समझना आसान हो, यहाँ पर डॉट मतलब मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स होगा, और ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, ई पावर एक्स ही होता है, और नंबर का डिफरेंशिएशन अकेला हो तो जीरो होता है, कोई भी नंबर हो अकेला उसका डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो हमारे पास देखो, ध्यान से देखोगे तो ये कॉस वाई एक्स, कॉस एक्स प्लस वाई और अपर साइन एक्स प्लस वाई, यानी कॉस एक्स बाय साइन एक्स हमको मालूम है ये कॉट एक्स होता है, तो हमारे पास भी कॉट एक्स बन जाएगा, ये और ये मिला करके कॉट एक्स बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉट एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है ऑलरेडी, वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स इजिकल्स टू ई पावर एक्स। लेकिन हमें मालूम है कि डी वाई सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस वाई प्लस, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉट एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इजिकल्स टू ई पावर एक्स। अब ये नहीं चाहिए अपने को इस तरफ, तो उसको उस तरफ सेंड कर दो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इजिकल्स टू, ये उस तरफ चला जाएगा, तो इधर जो प्लस साइन है उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ई पावर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस वाई। सो फाइनली डी वाई डी एस अगर हम आंसर फाइंड आउट करें, यानी डी वाई डी एस सब्जेक्ट बना दें, डी वाई डी एस सब्जेक्ट बनाने का मतलब डी वाई डी एस को अकेला कर देना, तो हम लोग डी वाई डी एस को अकेला करेंगे तो ये खाली अकेला यहाँ पर रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू, ये तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ ई पावर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस वाई, और सबके नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, ये वाला कॉट एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे ही हमारा आंसर खत्म होता है, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। तो अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जान करके मैं ले रहा हूँ और उसको कंबाइंड फॉर्म में लेता हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है कि नहीं। तो चलो फिर से मैं इसको रब कर देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें हमारा भी अप्रिसिएशन करिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, तो जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप बताओगे नहीं, आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे, तो फिर क्या है कि पढ़ाने का कुछ मतलब नहीं है, होता आता है। अगर हम बातें करें थोड़ा सा और लॉग का ले लिया, अब इनवर्स याद करो, इनवर्स की बातें मैंने किया हुआ था, अगर हम बात करें कि साइन इनवर्स और यहां एक्स प्लस वाई और यहां पर वाई प्लस एक्स कर दें, थोड़ा सा इनवर्स की अगर हम बात करें और फाइंड डी वाई डी एक्स, ये सब क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा, मैं कुछ भी अपने मन से लिख देता हूँ, जान करके कॉम्प्लिकेटेड लिख देता हूँ, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ जान करके, ताकि कुछ भी रहे तो आप उसको सॉल्व कर सको, बुक ढूंढोगे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सेम टू सेम नहीं मिलेगा, बट इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इसे आसान मिल सकता है, बट मैं जान करके थोड़ा हार्ड कर देता हूँ, इसमें वो मिक्स करता हूँ, उसमें वो मिक्स करता हूँ, ये सब क्वेश्चन मैं खुद ही डेवलप कर दे रहा हूँ और अभी का अभी डेवलप कर देता हूँ, और ताकि आपको समझ में आए, समझ सके। आप यहाँ ध्यान से बातें देखोगे तो एक गेट और यहाँ पे दो गेट, अब डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स याद करो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था वन अपॉन में रूट अंडर में वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स क्या, एक्स का रोल यहाँ पे पूरा का पूरा ये निभा रहा है, तो अगर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वन अपॉन में इम्प्लाइज का साइन और रूट अंडर में वन माइनस जो भी एक्स है, एक्स यानी जो भी एंगल है उसका होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अभी साइन इनवर्स में इसका तो हो गया, अब एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होना बाकी है, वो यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है
y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx होता है। तो इसका काम हमने निपटा दिया। अब यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन, इस y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाय dx होगा और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 होगा। ठीक है, इसको ओपन करना, ओपन कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है। dy/dx को सब्जेक्ट बनाने के चक्कर में हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/1 में रूट अंडर में 1 - x + y का होल स्क्वायर, और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस dy/dx। इसको ऐसे लिख देते हैं 1/√(1 − x + y) का होल स्क्वायर इनटू dy/dx इज इक्वल टू dy/dx + 1। dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा लगेगा इसको इधर लाना अच्छा लगेगा, इसको उधर भेज देते हैं। तो dy/dx सब्जेक्ट बनाने के चक्कर में इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा dy/dx यहाँ हमारे पास पहले से है, और यहाँ पर 1/√(1 − x + y) का होल स्क्वायर पहले से है। अब ये प्लस वन इधर आकर के माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि dy/dx इसका तो dy/dx हमने कॉमन ले लिया है, और ये वन इधर है, ये वाला वन इधर तो है ही, और ये पूरा बंदा उधर जाएगा, तो -1/√(1 − x + y) का होल स्क्वायर। वो एलसीएम लेने की इरादा में है तो एलसीएम ले सकता है। अच्छा, ये और ये लगभग एक ही जैसा है, दिख रहा है ध्यान से देखो तो, यहाँ पर खाली सिर्फ दिक्कत क्या है, इधर आगे पीछे है, एक माइनस कॉमन ले लें अगर हम, देखो ध्यान से, अगर एक माइनस कॉमन ले लें तो ये पोजीशन चेंज कर लेगा, ये दोनों मैच हो जाएगा। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, पहले मैं टेकिंग नेगेटिव कॉमन, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा पता है, -dy/dx, और ये जो है ये दोनों मैच हो जाएगा, 1 - √(1 − x + y) का होल स्क्वायर बिल्कुल मैच कराया जाएगा, और सामने भी 1 - √(1 − x + y) का होल स्क्वायर ही है हमारे पास, सामने में भी यही है। इससे क्या फायदा होगा, ये देखो और इसको इसको देखो, दोनों मैच होता हुआ नजर आ रहा है, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, देखो -dy/dx बराबर सीधा बच जाएगा 1, और dy/dx बराबर सीधा सीधा हो गया -1, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है बुक में, बट क्या जान जान करके एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, बट इस तरह क्वेश्चन जरूर होंगे। तो मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना आपको, कॉन्सेप्ट डेवलप करना और उसको बताना, जिससे आप क्या है कि करने के क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल बन जाए। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन कॉपी करने के काबिल बने, सॉल्यूशन को कॉपी करने के काबिल बनाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है यहाँ पर आपको सिखाना समझाना कि आप किस तरह से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है, खुद से कैसे डील कर सकते हैं, इस तरह की बातों को आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आज क्या मेरा मकसद यही होता है, मैं रोज ऐसे ही सिखाता हूँ आपको, ताकि आप बुक लेकर के खोलो, बुक खोलो, 5.2, 5.1 अभी छोड़ देना बच्चे, 5.1 अभी नहीं पढ़ाया मैंने, 5.1 जब पूरा 5.1 पढ़ा दूंगा, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 इस तरह सब पढ़ा दूंगा, लास्ट में 5.1 पढ़ाऊंगा, ठीक है। 5.1 में क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, जो 11th मैंने पढ़ाया हुआ ही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये यहाँ से क्या अभी डिफरेंशिएशन अगर आ जाए बढ़िया से तो आपको प्रैक्टिस का ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो जिसको डिफरेंशिएशन बढ़िया से आ जाएगा उसको इंटीग्रेशन भी बढ़िया से आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, अगर ये डिफरेंशिएशन है तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए मैं जान करके अभी आप मैं ज़्यादा फोकस ये करना है मुझे कि आपको डिफरेंशिएशन आ जाए, ठीक है कि नहीं। तो जितने वीडियो है उसको बहुत सिस्टमेटिकली देखो, उसको समझो, और उन्हीं क्वेश्चन के बाद खुद से सॉल्व करके देखो कि मुझे क्या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने आता है, क्या मैं इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाता हूँ, इन कॉन्सेप्ट्स को मैं समझ पाता हूँ। अगर समझ जाते हो तो आप जो है बुक के क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलिए अगर हम बातें करते हैं एक बार फिर से इनवर्स की, अगर बात करें तो सपोज को फिर से क्वेश्चन लेते हैं, कॉस में लेते हैं, कॉस इनवर्स x + cos inverse y = x + y और फाइंड dy/dx। अगर ये क्वेश्चन है तो सोचो ये सब क्वेश्चन आप कहाँ से लाते हो सर, अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ और उसको सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में आया।
जान जान करके उसको रूपटांग तरीके से दिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि कुछ भी घुमा करके करे, किस तरह कॉम्प्लिकेशन करे तो उसको आप आसानी से डील कर सको। तो अगर हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन का, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा, पहले सी स्क्वायरिंग है तो माइनस वन आएगा, और रूट अंडर में बिल्कुल साइन जैसा ही होता है, यहाँ इम्प्लाइज का साइन आ गया, हो गया काम खत्म। अब यहाँ इसका करें सी स्पेलिंग है यहाँ पर, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस वन अपन रूट अंडर में वन माइनस एंगल का स्क्वायर, इसका एंगल वाई है, लेकिन साथ में वाई है तो वाई का डिफरेंशिएशन सबको मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स होता है। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर तो डी एक्स बाई डी एस क्यों नहीं लिखते हो, यहाँ भी लिखोगे, अरे वहां पर लिखा हुआ अंडरस्टूड है बच्चा, डी एक्स बाई डी एस इसका मतलब ये कट के वन हो जाता है, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता है, समझ में आया, यहाँ पर मैं नहीं लिखता, इसे यहाँ लिखता डी बाई डी एक्स, यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स होगा जो कट करके वन हो जाता है, इसलिए बुक में इसको नहीं लिखते हैं, समझ में आया, इसके अंदर स्टूड है कि हाँ ऐसा होगा ही होगा, इसलिए इसको टाइम बचाने के चक्कर में नहीं लिखते, ठीक है कि नहीं, इसको इसलिए मैं यहाँ मिटा देता हूँ, बुक में नहीं लिखा जाता है, बट लिख सकते हो समझा, बट नॉलेज में रहना चाहिए ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया काम खत्म, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स यहाँ भी है और डी वाई डी एक्स यहाँ भी है, इसको इधर ले आते हैं, इसको लाने से अच्छा है कि इसको उधर ले जाते हैं, अब की बार इसको उधर ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव तो उधर जा करके पॉजिटिव बन करके थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, क्यूट दिखेगा, है ना, तो भेज देते हैं उधर, तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, माइनस वन अपॉन में रूट अंडर में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस वन को भी ले आते हैं इस तरफ ले आते हैं, प्लस वन इधर आके माइनस वन हो जाएगा इजिकल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर ये वन है और ये माइनस जो है बंदा उधर जाकर के प्लस बन जाएगा, तो वन अपॉन में रूट अंडर में वन माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एलसीएम लेना चाहते हैं ले सकते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यार, मैं बस इस बार एलसीएम ले लेता हूँ, अभी तक एलसीएम लिया नहीं, मैं ले लेता हूँ इस क्वेश्चन में, माइनस वन हो जाएगा, इसको करोगे तो माइनस रूट अंडर में वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया रूट अंडर में वन माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर ये हो गया, और इधर भी एलसीएम लेना चाहते हो नहीं लोगे तो भी चलेगा, बट इस क्वेश्चन में जान करके ले लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे रूट अंडर में वन माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे वन है, वन वन जर वन अपन रूट अंडर में वन माइनस वाई का स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन लेना ले सकते हो, अदरवाइज डी वाई डी एस इक्वल टू सीधा उलट के उधर भेज दो, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे अगर, तो माइनस वन कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया तो वन प्लस रूट अंडर में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा वन रूट अंडर में वन माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और रूट अंडर में वन माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वन अपन रूट अंडर में वन माइनस वाई का स्क्वायर। सो फाइनली डी वाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग इसको उस तरह सेंड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर रेडी हो चुका है, लिख दें आप फाइनल आंसर, डी वाई डी एक्स जगह यहाँ पर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये तो कॉपी रहेगा यानी हो जाएगा माइनस वन प्लस रूट अंडर में वन माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर में वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो है ही, अब ये उधर जाएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर रूट, यहाँ मल्टीप्लाई वन माइनस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वन, ये मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे छोड़ देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें आंसर को छोड़ना पड़ता है, जहाँ तक हम सॉल्व कर सके सिंप्लीफाइड कर सके तो वहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर खत्म। अब इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना, खुद से करना, वीडियो देखो, वीडियो के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, वीडियो क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करो, कॉपी मारने का काम नहीं करना कि कॉपी मार लिया हमने, सर ने बोला लिखने के लिए हमने लिख दिया, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं समझना, यहाँ पे फुल मकसद मेरा समझाना है आपको। तो देखो यहाँ पर चेन रूल पे भी मैंने काम करा दिया, यहाँ पे ट्रिगोमेट्री कुछ उसमें अल्जेब्रिक भी मिक्स कर दिया, इनवर्स का भी मिक्स कर दिया, सपोज करो इनवर्स है, अगर टेन इनवर्स, सपोज करो टेन इनवर्स है एक्स प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स वाई और यहाँ पर है पाई बाय टू और लिखा हुआ फाइंड
फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सपोज तो ऐसा क्वेश्चन है, अगर टेन इनवर्स सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन में वन प्लस एंगल का होल स्क्वायर, एंगल का वन अपॉन में वन प्लस एंगल, एंगल क्या एक्स, उसका होल स्क्वायर, काम खत्म। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन में वन प्लस एंगल का होल स्क्वायर, लेकिन वाई है तो वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स भी आता है, और पाई बाई टू एक नंबर होता है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। अब हमारे पास क्या बच गया, इसको उस तरफ सेंड कर दो फाइनली, तो यहाँ इम्प्लाई सर कर देता हूँ, तो यह क्या बचा हमारे पास, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे बचा इन टू डी वाई बाई डी एक्स इधर बचा है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा उधर जाकर के माइनस, ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स का स्क्वायर। अब फाइनली इसको भी उस तरफ सेंड कर दो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा उलट जाएगा, माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर ऊपर है यहाँ पर, और नीचे पहले से इंतजार कर रहा है वन प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से सब क्वेश्चन में खुद से अपने मन से कुछ भी लिख दे रहा हूँ, और आपको समझाना चाहता हूँ कि इस तरह से भी आप आंसर ला सकते हैं, और इस तरह से टेन इनवर्स लिखा रहे तो, नहीं लिखा रहे टेन इनवर्स लिखा रहे तो, साइन सिर्फ लिखा रहे तो, साइन इनवर्स लिखा रहे तो, टेन इनवर्स लिखा रहे तो, इस तरह के मिक्स क्वेश्चन को आप समझो और उसमें से डी वाई डी एक्स को फाइंड आउट करना सीखो। तो फिर से भी हम लोग वापस जाएंगे टेन इनवर्स वाले क्वेश्चन के ऊपर और काम भी करेंगे, ऐसा नहीं यहीं पे छोड़ दूंगा, मैं जान करके आपको बेसिक्स तैयार कर रहा हूँ जिसका आपको जरूरत है, बेसिक्स को समझ जाओगे भारी भारी क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो इन्हीं के साथ हम आज की, इन्हीं शब्दों के साथ आज की मुलाकात करेंगे समाप्त। आप इसको समझना ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है, कोई डाउट है तो ऑनलाइन लेक्चर में पूछ लेना, जूम पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो बाय बाय, सी यू टाटा, जय हिंद जय भारत।